आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के बाहर और प्रेस क्लब के अंदर आज के इस दिन को बड़ी अच्छी तरह से मनाया जा रहा है और इस मौके पर अपना अनुभव और अपना ज्ञान चंडीगढ़ वासियों के बीच बांटने आए हैं योगीराज लाल जी महाराज, जो पिछली 4 पीढ़ियों से निरंतर भारत में योग का प्रचार और प्रसार बड़े ही दिल से कर रहे हैं। ना सिर्फ केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग का प्रसार उन्होंने किया है। आइए आपको लेके चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं। आप हर साल प्रेस क्लब आते हैं, इस बार एक बार फिर से आपको मौका मिला है, कितना अच्छा लगता है इस दिन पे आप जब लोगों को सिखाते हैं? यकीनन आप एक ऐसा स्तंभ हो, मतलब पत्रकार बंधु हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ। अगर मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक अपने जो भी मुझे प्रभु ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, वो अगर मैं करोड़ों रुपए भी खर्च कर दूँ तो भी वो पर्याप्त नहीं हो। आप के क्लब में आके या जो भी पत्रकार बंधु सीखते हैं, आपके माध्यम से मैं समझता हूँ कि जन जन तक जो मेरे पिताजी का और गुरुओं का जो लक्ष्य था, घर घर तक योग को पहुँचाना। 140 वर्ष पूर्व आए थे हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी महाराज, उसके शिष्य थे, उनके शिष्य थे मुल्कराज जी महाराज और उनके शिष्य थे मेरे पिताजी। तो कुल मिला के मैं चौथी पीढ़ी से हूँ जो योग आप तक पहुँचा रहा हूँ। और आपका जो स्तंभ, जो आपका प्रश्न है, ये है कि इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप चाहो ना, सारी दुनिया को विजयी कर सकता है कोई एक व्यक्ति। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब कर रहा है, गजब है। 25 साल तो मेरे साथ हो गए, इसका मतलब ये आपने बुलाया नहीं जी। और मैं तो हैरान हूँ कि आहूजा साहब ने, मेरा आज भी याद है इनको कि इतना हमारा घनिष्ठता थी पहले, तो मैं सचमुच इनको ढूंढ ही रहा था। आज राणा साहब के माध्यम से दोबारा मिलने का मौका मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं भीड़ नहीं देखता, एक आदमी का भी अगर आप जीवन बदल देते हो तो आप बड़े खुशनसीब। मुझे परमात्मा ने वो कृपा करी है, 1 लाख आदमी को मैंने ठीक किया है। 22 देशों में गया हूँ मैं, 30 साल तो टेलीविज़न पे आया हूँ, शायद अकेला भारत में अकेला आदमी आज के डेट में जीवित है जो 30 साल तक मोर और लेस रेगुलरली आता रहा। बहुत बड़ी बात, क्योंकि जी बहुत सरल आपने आशीर्वाद, आपने बहुत सरल आसन से आप पूरी जिंदगी को बदलने का। ये मेरी विशेषता जी, मेरा बल भी है। इंटरनेशनल योगा डे कहने से नहीं होगा जी, और ये सेमिनार करने से नहीं होगा, उसको इतना सरल करो कि हर व्यक्ति कर सके, 100 वर्ष का व्यक्ति भी योग कर सके। मैंने कहा था युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधितो वा दुर्बलो अति, यानी युवा हो वृद्धो अति वृद्धो, चाहे कोई भी आदमी हो, हर व्यक्ति योग कर सके, ऐसा योग होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आजकल की जो जिंदगी चल रही है, लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं कह रहा हूँ योग ही एकमात्र आपका उपाय है, सरल सॉल्यूशन है। अदरवाइज लोग अल्जाइमर के मरीज होंगे बड़ी जल्दी, भूल जाएंगे, अभी नहा के हटे फिर कहेगा पानी ले आओ, नहाया नहीं मैं, खाना खा के हटे अभी बर्तन सामने पड़े हैं, बंदा कहता है यार मैं तो भूल गई, सामान रख के सोचता है कि मैंने रखने आया था या लेने आया। इट इज़ हैपनिंग इवन इन द यंग जनरेशन, तो सेम थिंग विल हैपन टू अदर्स। और पेट खराब होना शुरू होगा, घर घर में बीमारियां हैं, एक दिन का हॉस्पिटल का कितना खर्चा है, मिनिमम 1 लाख। बिल्कुल, जीते जी नरक देखना है तो देखो, मैं ये नहीं कहता दे आर डूइंग बैड वर्क, इनफैक्ट अगर कोई योगी भी बीमार होगा ना, सीरियस प्रॉब्लम, सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे, योगाश्रम नहीं ले जाएंगे। क्यों? कि वी आर, और ये भी गॉड का गिफ्ट है, हमारा जो काम है लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करना, बाकी जो सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, जो हदें पार कर जाते हैं, हम बिल्कुल पशुओं से भी गया गुजरा, पशु तो फिर भी ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज, अगर कभी बीमार होता ना पशु, सबसे पहले खाना छोड़ लंगरम परम औषधम, छोड़ देता है,
को ठीक हो जाता है बिना दवाई। हम लोग अगर ये चीज़ सीख लें, योग क्या है, प्रकृति और परमात्मा के पास था। और कुछ अगर सारांश में बोलना, और मैं ये कहता हूँ जीवन तो हम बहुत नारकीय बना रहे हैं, कितना ही पैसा इकट्ठा कर लिया हो। अब रतन टाटा जी को कल मैं रात में देख रहा था एक यूट्यूब पे, बिलीव मी ही वॉज वॉकिंग, जस्ट यू मे ऑल्सो, अरे यार अरबोंपति खरबोंपति हो गए बिल्ली, कोई यकीन करेगा मैं 80 साल का हूँ, अभी भी करता हूँ आपके साथ। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, ये कृपा तो भगवान की होती है, लेकिन आप थोड़ा बहुत समय अपने लिए निकालो। अगर सोचो कि कोई और करेगा, पैसा काम नहीं आएगा, कई बार आपके इन्फ्लुएंस भी काम नहीं आएगा, जितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ। इंसानियत और ये जो नेचर के साथ जुड़ना और परमात्मा का ज़रूर याद करना, दीज थ्री थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प। भोजन चबा के खाओ, कम खाओ, यकीन करो आप हमेशा हेल्दी रहो, चाहे कितना अब्यूज़ कर लो बॉडी को, 15-20 मिनट तो दे ही सकते। आज जो मैंने दिया, बिलीव मी आई एम आस्किंग यू ऑनेस्ट क्वेश्चन, अभी आपने किया कुछ? बिल्कुल किया मैंने। कैसे लगा आप खुद बोल, मैं नहीं बोल। बहुत अच्छा लगा। लगा ना? बिल्कुल। कोई मैंने डिफिकल्ट आसान नहीं कराया, लगभग सभी लोग कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। और यही मेरा संदेश है अंत में कि सरल बनाओ योग को, मुश्किल मत करो। ये कोई एक्रोबेटिक नहीं है, एक्रोबेसी नहीं है, जिमनास्टिक्स नहीं है, ये हमारी बड़ी सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है भारतीय संस्कृति की। क्यों 300 कंट्री कर रहे हैं योग सारे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ जो भगवान को नहीं मानते चाइना वाले वो भी योग सबसे ज़्यादा वो करते हैं। रशियंस, मैंने रशियंस को बहुत लेक्चर दिया, वो कहते थे देर इज़ नो गॉड, डोंट टॉक ऑफ गॉड। मैंने कहा वाई, आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग डू दिस यू विल बेनिफिट। और मुझे कितनी शील्डें मिली हैं रशियंस, जब बिल्कुल कम्युनिस्ट कंट्री होता अब तो बड़ा खुला हो गया, अब तो बहुत एक्सेप्टेंस है। बैन था योगा, लेकिन मैंने तब लेक्चर देता था, 60,000 से ज़्यादा रशियंस को मैंने लेक्चर दिया, वो ट्रांसलेटर आती थी, वो मेरे को रशियन भी काफ़ी हद तक आ गया, जर्मनी तो जर्मन भाषा तो आती है।